छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलियों द्वारा जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर में नेताओं की सुरक्षा को लेकर डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर के नेताओं से सावधानी बरतने और पुलिस को सूचना देकर दौरा करने की बात कही। जो समय है हर साल का पिछले साल रिकॉर्ड निकाल दें, इस समय में ये लोग इस प्रकार से घटनाएं करते हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की हत्या हुई है और बेहद दुर्भाग्यजनक है, लेकिन इससे ये भी सिद्ध होता है कि भारत जो नक्सल है वो अब घर में घुस के व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जा के हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मैंने अभी डीजी को निर्देश किया कि जितने भी सभी दलों की बैठक तत्काल सभी एसपी ले लें जो नक्सल प्रभावित जो ज़िले हैं, और सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके जो ऐसे समय में सुरक्षा को ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हैं तो बता के जाएं, सुरक्षा में जाएं। तो इस प्रकार के मैंने अभी ही डीजी साहब से कहा कि सभी एसपी बैठक करके सभी को सचेत करें और सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी दल से। लोकसभा में गुंजा बस्तर में हुए भाजपा नेताओं की हत्या का मामला, अरुण साव बोले छत्तीसगढ़ में हो रही टारगेट किलिंग। पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी के चार प्रमुख पदाधिकारियों की हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई है। बुधराम करटाम जो हमारे बस्तर जिले के मंत्री थे, नीलकंठ ककेम जो हमारे मंडल अध्यक्ष थे, श्री सागर साहू जो हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रहे, श्री रामधर अलामी जो पूर्व सरपंच हैं, इन चार प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग चार प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले एक महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। कोरिया में मुख्यमंत्री के वाहन में सवार हुए स्वास्थ्य मंत्री, लंबे समय बाद सरगुजा संभाग में एक साथ दिखे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री टी एस सिंहदेव। वाहन से उतरकर मुख्यमंत्री ने किया टी एस सिंहदेव का इंतजार, फिर किया प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का अनावरण। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में कांग्रेस नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे की शादी हुई तो वहां दुल्हा दुल्हन से लेकर रिश्तेदारों तक ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। सब ने एकक कर रिवाल्वर और पिस्टल से आसमान में कई गोलियां चलाई। फायरिंग करने वालों ने इस फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया में भी अपलोड कर दिए। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई की बात कही। जांजगीर के पत्रकार गोपाल शर्मा की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घर के अंदर बिस्तर पर ही उसकी लाश मिली है। बता दें कि जिस युवती की लाश मिली है वह इसिका शर्मा भी लोकल न्यूज चैनल में एंकर भी रह चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ में सोमवार को अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए हैं। बलरामपुर ईंट भट्टे में आग लगाकर उसी के ऊपर सो रहे 3 लोगों की मौत हो गई तो बलौदा बाजार भाटापारा जिले में तरेंगा रोहरा गांव के पास तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। राजधानी के राखी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में LIC में एजेंट की मौत हो गई। अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग में पलटी तेज रफ्तार कार में 5 लोग थे सवार, 3 की हालत बताई जा रही है गंभीर। तो वहीं शिवरी नारायण मेला देख के लौटते समय खपरीडी गांव के पास पलटी पिकअप वाहन, हादसे में पिकअप में सवार 36 लोग घायल, जिसमें से 14 लोग है गंभीर। अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में रहने वाले वकील की हादसे में हो गई मौत। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय युवक की खून से लथपथ मिली लाश। किसान महासम्मेलन में शामिल होने राकेश टिकैत पहुंचे छत्तीसगढ़। टिकैत प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करने जाएंगे, भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक देश में MSP कानून गारंटी नहीं बनेगा तब तक किसानों की फसलें ऐसी ही लूटती रहेंगी। कहा कि इसी साल दिल्ली से भी बड़े आंदोलन करने की तैयारी में है।
पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के रिश्तेदार पंकज राठी के घर पर हुई करोड़ों की चोरी मामले में दुर्ग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपी को गोवा से किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 किलो सोना, 15 किलो चांदी के जेवर और 6 लाख रुपए नकद बरामद। राजधानी रायपुर में करीब 40 साल तक ऑपरेट करने वाली पहली विमान कंपनी एयर इंडिया ने बांधा बोरिया बिस्तर। 12 फरवरी को आखिरी बार भरी उड़ान, जिसके बाद आज से उड़ानों को किया गया बंद। एयर इंडिया की फ्लाइट बंद होने से विदेश जाने वाले यात्रियों की बड़ी मुश्किल। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत कोटपाली के आश्रित ग्राम खजूरी में ईंट भट्ठे में आग लगाकर उसी के ऊपर सो रहे 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। अत्यधिक गर्मी और गैस रिसाव के कारण मौत की जताई जा रही है संभावना। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। नई और पुरानी पेंशन योजना की शर्तों के चलते प्रदेश के करीब 10,000 शिक्षक पेंशन योजना से हो जाएंगे वंचित। LB संवर्ग के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को मिलेगी अल्प पेंशन। 1,60,000 शिक्षक पेंशन योजना का नहीं उठा पाएंगे पूरा लाभ। नई और पुरानी पेंशन नीति को लेकर कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की बनाई रणनीति। 20 फरवरी को राजधानी में जंगी प्रदर्शन की घोषणा। 15 फरवरी को बड़े स्तर पर होगा धरना प्रदर्शन। रविवार को बालोद पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि BJP मेरी चिंता करती है, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने घर को देखता हूं। लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल करना विभाग का है काम। पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने धर्मांतरण को लेकर दिया बड़ा बयान। शंकराचार्य ने कहा कि धर्मांतरण के लिए मुख्यमंत्री, कलेक्टर, मंत्री और राज्यपाल जैसे लोग हैं जिम्मेदार। राजनेताओं के कारण ही हो रहा है धर्मांतरण, उनके खिलाफ भी होनी चाहिए कार्रवाई। बिलासपुर केंद्रीय जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की हुई मौत। युवक के परिजनों ने सिम समय हंगामा मचाते हुए कहा, निजात अभियान से गई जान। झूठे केस में फंसाया, फिर की पिटाई। बता दें कि कोटा क्षेत्र के गनियारी निवासी उमेंद्र वर्मा को पुलिस ने 10 फरवरी को 13 लीटर महुआ शराब के साथ किया था गिरफ्तार। NPG का डिजिटल चैनल लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।